हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल एंड होम कुकिंग। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ देसी घी घर पर कैसे बनाएं। घी बनाना बिल्कुल आसान है। देसी घी खाने के बहुत बेनिफिट्स हैं, इसे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। सो व्हाई आर यू लेट, लेट्स कुक। ये मैंने 1 लीटर काउ मिल्क लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 उबाल आने तक बॉयल कर लिए है और इसे इस तरह किसी भी जाली वाले ढक्कन से ढक कर रख देंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे इसकी पूरी क्रीम ऊपर आ जाएगी। अब हम कोई भी कंटेनर लेंगे और अपनी मलाई अलग करेंगे। ये मैंने 15 दिन की मलाई कलेक्ट की है। अगर आप फुल क्रीम मिल्क लेते हैं तो आप इसे 10 दिन में भी इससे घी बना सकते हैं। अब ये मैंने 10 से 15 दिन की मलाई इकट्ठी कर ली है, हम इससे मक्खन बनाएंगे। अब मैं इसमें 1 से 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। अगर गर्मी का टाइम है तो आप ठंडा पानी ऐड करें, अगर ठंडी का टाइम है तो आप गर्म पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें अच्छी तरह से पानी मिला करके 2 ग्लास और इसे इस तरह की मथानी से मिक्स करके, आप चाहें तो ब्लेंडर भी ले सकते हैं। मैं इस तरह से हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी मलाई अलग करिए। देखिए इसकी मलाई अलग होना शुरू हो गई है। हम इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक इस तरह से इसकी मलाई मथ के निकालेंगे। और इसमें मैं 1/2 ग्लास और पानी ऐड करूँगी कि जिससे हमारी क्रीम अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। आप इसमें पानी कितना भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 2 ग्लास 3 ग्लास मलाई के अकॉर्डिंग है। ये देखिए इसकी मलाई बिल्कुल अलग होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम कुछ आइस क्यूब डालेंगे जिससे अच्छी तरह से हमारा जो मक्खन है ऊपर अच्छी तरह से आ जाए और हमें निकालने में आसानी हो। मैं इसमें आइस क्यूब डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी जिससे ये पूरी तरह से मक्खन को ऊपर साइड कर दे। ये देखिए बिल्कुल मक्खन अलग होना शुरू हो गया है और ऊपर भी आ चुका है। हम इसे दो मिनट तक और मथेंगे। अब हम इस तरह का कोई भी बर्तन वाला मक्खन इस तरह से हम अच्छी तरह से चारों तरफ से निकाल के अलग कर लेंगे और इसमें जो भी छाछ नीचे रह गई है उसमें से भी इस तरह से मक्खन धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। और हमने हमारे मथानी में जो मक्खन लगा उसको भी हम इस तरह से धीरे धीरे करके निकाल लेंगे और इसमें जो भी छाछ है उसको हम इस तरह से दबा दबा के इसका छाछ बाहर करके इस डब्बे में निकाल दिया है मैंने। अभी हमारा देखिए मक्खन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे लो फ्लेम पर पकाऊंगी। ये मैंने लो फ्लेम पर रखा है इसे, और इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से चला दूंगी जिससे नीचे बर्तन में चिपके नहीं। हमें बर्तन थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि इसमें जैसे घी पकना शुरू हो जाएगा इसमें उबाल आती है और घी गिर भी सकता है। ये देखिए हमारा घी बिल्कुल मक्खन से अलग होना शुरू हो गया है। इस तरह से देखिए उबाल आने, हम इस तरह से चमची की मदद से इसे मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में जिससे ये तली बिल्कुल लगे नहीं। ये देखिए घी बनना बिल्कुल शुरू हो चुका है। हम इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से बीच बीच में हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे चिपके नहीं। और ये देखिए हमारा घी बिल्कुल बनकर तैयार होने वाला है। हमें घी को लो फ्लेम पर ही पकाना है जिससे हमारा घी जले नहीं। ये हमारा घी बिल्कुल बन चुका है और फ्लेम को बंद कर देंगे और किसी चाली वाले ढक्कन से इस तरह से ढक देंगे जिससे ये गर्म है और इसकी भाप निकल जाए। अब ये ठंडा हो चुका है। मैं इस तरह के छन्नी लेकर किसी भी कंटेनर में इस तरह से हम इस घी को निकाल लेंगे। ये हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 300 ग्राम घी मेरा बन चुका है। हमारा घी बिल्कुल देखिए बनकर तैयार हो चुका है। अब इस तरह से हम किसी भी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं।
घी खाने के बहुत फायदे हैं। यह डाइजेशन को बेहतर बनाता है, जिससे एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्या कम होती है। कमजोरी होने पर रेगुलर एक ग्लास दूध में एक चम्मच गाय का घी और मिश्री मिलाकर पिए, इससे आपकी कमजोरी दूर होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।